हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक कैसे हो आप सब आई जस्ट होप आप सब अच्छे होंगे और आपने टॉपिक सारे रिवाइज कर लिए होंगे अब तक के चलो आज का जो टॉपिक है हम बात करने वाले हैं दैट इज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड सॉरी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशंस राइट जैसे हमने काफी सारे रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स वगैरह के बारे में पढ़ा था तो अब हमें क्या पढ़ना है अब हमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम और जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके बारे में स्टडी करना है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं वो क्या हैं और इंस्टीट्यूशन जो हैं वो कौन कौन से हैं मतलब वर्ल्ड वाइड अगर ये अगर हम बात करते हैं आज यूएस डॉलर जो है एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल करेंसी है तो किन रीजंस की वजह से जो यूएस डॉलर है वो एक इंटरनेशनल करेंसी बन पाई ठीक है तो ये सारे फैक्टर्स जो है कौन कौन से फाइनेंशियल सिस्टम थे जो वर्ल्ड में पहले थे और आज की डेट में ये सब हमें पढ़ना है राइट <coughs> जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन है एक बार हाई हेलो भेज दो Chalo. So the international financial system has been evolved over the course of countries, centuries. It defines the overall financial environment in which multinational configurations operate. The international financial system consists of ele uh, elements, elements such as Such as laws, rules, agreements, institutions, mechanisms, and procedures. All these, all these elements attract foreign exchange rates, balance of payments, adjustment, international trade, and capital flows. The system will continue to develop further in the future as the international business and political environment of the world economy continues to change.

आपको इंटरनेशनल पेमेंट्स करने में या ये जितनी भी चीजें उन चीजों में आपको हेल्प करते हैं राइट चलो पहले थोड़ा सा बेसिक फंक्शनिंग समझते हैं खुशबू छुट्टी पे क्यों थे? द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एक्सचेंज रेट एग्रीमेंट्स ओके कैपिटल फ्लोस इवॉल्व ओवर मीन का मतलब होता है खुशबू के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चीज जो है इवॉल्व हुई है देखो यहां पे लिखा है कि हमने बोला हैज बीन ओवर द कोर्स ऑफ मतलब जो इतनी सेंचुरी लाइक like, uh, जो सेंचुरी बीतती समझते हो ना सेंचुरी uh, साल 100 साल का पीरियड जो होता है सेंचुरी बोलते हैं तो हर सौ साल के हिसाब से अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो लगातार बढ़ता चला गया है कुछ ना कुछ चेंज होता गया किसी भी चीज के एवोल्यूशन का मतलब होता है उसमें आने वाले बदलाव तो वो कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है ओके okay, ध्रुव आप मुझे पहले ये बता दो आपका एग्जाम कब है उसके अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं तो खुशबू इवोल्यूशन का मतलब समझ में आया कि किसी भी चीज में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे बदलाव आते हैं कैसे कैसे वो चीज जो है वो टाइम के साथ चेंज होती है दैट इज इट्स इवोल्यूशन खुशबू इज दैट क्लियर और ध्रुव मेरे को एक बार जरा बता दो एग्जाम वगैरह कब है उसके अकॉर्डिंग भी सारी चीजें प्लान कर लेंगे फोर्थ so, में ऑनवर्ड्स ठीक है सो so, ध्रुव देखो बहुत सिंपल है आ, आप समझो इस बात को बस हमारे पास दो टॉपिक्स रह गए जिनको हमें कंप्लीट करना है दो टॉपिक्स को कंप्लीट करते ही हमारे पास जो पूरा का पूरा हमारा सिलेबस है दैट इज गोइंग टू एंड वो हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा ठीक है अगर आपने कोर्स में एनरोल कर लिया है, तो आपको सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे तो आप ये मानो दैट टूडे इज इज फ्राइडे राइट तो फ्राइडे मान लो तो आप ये मान के चलो कमिंग वेन्सडे और ट्यूसडे तक में वी विल बी कवरिंग अप वी विल बी एंडिंग अप दी एंटायर सिलेबस एंड देयर आफ्टर व्हाट वी विल डू इज कि हम स्टार्ट करेंगे uh, मतलब 10 ईयर्स पेपर तो 10 ईयर पेपर्स के अंदर जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े उसके क्वेश्चंस कैसे कैसे आए हुए हैं क्या क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम है उसके अकॉर्डिंगली जो पास के जितने भी ज्यादा क्वेश्चन है एज एज मच वी कैन वो सारे विल ट्राई टू कवर अप राइट सो इस तरीके से हम आगे टाइम पे चीजें करेंगे और इन बिटवीन आप वीडियोस को देखते रहो लगातार क्लास का लाइव नोटिफिकेशन आएगा तब तक मैं बस यही बोलूंगा आपको कि जो भी लाइव क्लासेस आए उनको बिल्कुल भी मत छोड़ना लगातार ज्वाइन करना ताकि जो भी आपने वीडियोस देखी होंगी उन वीडियोस में आपको डेफिनेटली डाउट्स आएंगे वो डाउट्स आप मुझसे लाइव क्लासेस में क्लियर कर सकते हो राइट ठीक ठीक है थीक है ध्रुव क्लियर चलो तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ मुझे मैसेज कर देना प्लीज चलो तो वो कह रहा है है कि इंटरनेशनल सिस्टम में क्या आता एक्सचेंज रेट आते हैं कैपिटल फ्लोज आते हैं एंड अ कलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन रूल्स एंड कन्वेंशन दैट गवर्न इट्स ऑपरेशन तो वो कह रहे इसमें क्या आता है इंस्टीट्यूशन का कलेक्शन आता है रूल्स एंड कन्वेंशन आते हैं जो पूरे की पूरी कंट्री को चलाने में समझ में काम में आते हैं वेल्थ फंक्शनिंग ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प इन अचीविंग द इकोनॉमिक्रोथ कंट्री एंड एफिशियंट एलोकेशन ऑफ कंट्रीज वो कह रहे हैं कि जितना ज्यादा उनका इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम होगा बढ़िया उतना ज्यादा उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में उनको हेल्प मिलेगी और कंट्री के जो रिसोर्सेज है उनको बेटर एलोकेट करने में हेल्प मिलेगा अवेल्थ फंक्शन सिस्टम प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी थ्रू दफिशियंट एलोकेशन रिसोर्सेज इट ऑल्सो एनकरेजेस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाई एडजस्टिंग एक्सचेंज रेट टू अचीव इक्वली इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ द कंट्री कह रहे हैं इसमें क्या होता है अगर एक बढ़िया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी कंट्री के अंदर तो इसमें एक्सचेंज रेट जो है वो चेंज होने में हेल्प मिलती है जिससे कि आप अपने बीओपी को भी करेक्ट कर सकते हैं आई जस्ट होप कि बैलेंस ऑफ पेमेंट आप लोगों ने अब तक पढ़ लिया होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर फाइव था शायद हमारा उसमें मैंने पूरे डेप्थ में आपको बीओपी क्या होता है समझाया था और एक्सचेंज रेट के बारे में आज की क्लास में हम कुछ डिस्कशन करेंगे कि जो एक्सचेंज रेट है वो कैसे डिसाइड होते हैं मुझे आपका मैसेज रिसीव नहीं हुआ प्लीज एक बार मुझे रिप्लाई कर दो एंड इफेक्टिव इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन देंज रेट ऑफ द कंट्री जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ <coughs> जैसे यू है ठीक है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ठीक है तो आप एक काम करना ध्रुव सारी वीडियोस आपने नहीं देखी तो कोई दिक्कत नहीं है मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा उन उन चैप्टर की जो वीडियोस है वो देख लेना ठीक है और जैसे ही फिर हम मतलब ट्यूसडे वेन्सडे तक जब पूरा खत्म कर लेंगे देन वी विल बी स्टार्टिंग जो क्रैश जो मैंने आपको कहा ना क्वेश्चन की फॉर्म में क्रैश कोर्स टाइप है वो स्टार्ट करेंगे वो आप लाइव अटेंड करना वीडियोस पे डिपेंड मत रहना वीडियोस तो मिलेंगी मिलेंगे क्योंकि जो लाइव होता है वो रिकॉर्ड भी होता है लेकिन आप लाइव रहोगे तो जितने भी डाउट्स हैं ध्रुव उनको साथ साथ क्लियर कर सकते हो सो जस्ट वेट फॉर टू टू थ्री डेज टिल देन मैं आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स वो बता दूंगा बस उनकी ध्रुव इतना तो कर लोगे ना जो इंपॉर्टेंट वीडियो बताऊंगा वो तो देख लोगे चलो इफेक्ट हमें मैं UAE का बता रहा था अब यूए ने क्या किया हुआ है इन्होंने यूएस डॉलर को एक तरीके से फिक्स कर रखा है ठीक है इनके पास अच्छा खासा गोल्ड रिजर्व्स है जिन गोल्ड रिजर्व्स के बेसिस पे इन्होंने डॉलर को फिक्स कर दिया तो एक कंट्री के लिए एक बढ़िया अगर फाइनेंशियल सिस्टम होगा तो वो कंट्री के एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज रखता है और एक्सचेंज रेट एक पॉइंट पे स्टेबल होना बहुत जरूरी होता है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको डराता है क्योंकि तो अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आएंगे एक्सचेंज रेट के अंदर अगर एक्सचेंज रेट बहुत अप्रिशिएट होगा या डेप्रिशिएट होगा तो एक्सपोर्टर इम्पोर्टर का बहुत नुकसान है तो एक्सचेंज रेट का एक पॉइंट तक रहना बहुत जरूरी है. ओनली देन इट कैन प्रमोट योर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स. और एल्स बहुत मुश्किल आ सकती है right? राइट चलो तो इफेक्टिव इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम ऑल्सो प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन द डोमेस्टिक प्राइसेस एंड एडजस्टमेंट टू द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोमी इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबिलिटी

चलो तो मैं आगे बढ़ रहा हूं देखो इसमें हमारे पास आगे लिखा है देर आर रीजन फॉर कंसर्न चाइना यूनिट फाइव प्रूफ यूनिट फाइव बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें जो आउटसोर्सिंग है उसको मान के चलो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो आपको देखो यूनिट फाइव तो बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेनी है ठीक है और दूसरा आप यूनिट फाइव और यूनिट फोर इन यूनिट फाइव और एक मिनट रुको मैं आपको एक सेकेंड में बताई देता हूँ यूनिट फाइव और यूनिट फोर ठीक है ध्रुव अभी ये जो आपने डाउट्स मुझसे पूछे हैं ये अभी नहीं कर रहे हैं। आप बस अपने डाउट्स लिख लो मैंने आपको बोला ना के बाद ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी देन मैं प्रॉपर डाउट सेशन ही रख लूंगा जिसमें आपको जो भी डाउट्स होंगे वो आप अच्छे से पूछ सकते हो मुझसे ठीक है ठीक है ध्रुव और मीन तब तक कोशिश करो कि इन दो डेज के अंदर आप मतलब जो तीन चार दिन में आपको दे रहा हूँ करना है, 4, जिसका एक टॉपिक अभी हम पढ़ी से, से डाउट पूछा है ये इसी चैप्टर में आगे आ जाएगा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ये मैं आपको क्लियर ही दूंगा ठीक है और दूसरा जो मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूं यूनिट फोर यूनिट फाइव को दो तीन दिन के अंदर पूरा कंप्लीट करके रख लो ठीक है

तो अज्यूमिंग दैट ये जो ये लिखा हुआ है इसपे हम बाद में आते हैं ठीक है एक मैं आपको पहले एक बेसिक आइडिया दे देता हूं आई थिंक शायद प्रीवियस किसी वीडियोज में मैंने समझाया होगा बट अगर स्टिल अगर कोई दिक्कत है याद नहीं है तो मैं एक चीज कर यहाँ पे कहीं इस साइड स्पेस है क्या स्पेस चलो तो मैं यही समझा रहा हूँ जो वीडियो में कटेगा वो मैं देख लूंगा एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है ना स्टूडेंट्स पहले मेजर समझो आप वो तीन तरीके के हैं एक है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम ठीक है एक है फ्लेक्सिबल जिसे हम फ्लोटिंग भी कहते हैं और एक हमारे पास होता है मैनेज्ड फ्लोटिंग ठीक है तो मेजरली जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो तीन तरीके के देखे गए ठीक है और आई एम डैम श्योर आप लोगों ने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड की इकोनॉमिक्स में इसको पढ़ा होगा नहीं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वगैरह जब आपके पास आई होंगी प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो तो उसमें आपने पढ़ा होगा मैं रिपीट कर रहा हूं बस तीन तरीके के एक्सचेंज रेट वर्ल्ड ने देखा मेन फिक्सड फ्लेक्सिबल मैनेज फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पे आपकी जो गवर्नमेंट होती है वो किसी पर्टिकुलर करेंसी का रेट जो कि जैसे इंटरनेशनल करेंसी डॉलर है तो उसका रेट फिक्स रखती है कि हमारी कंट्री के अंदर जो रेट रहेगा वो फिक्स रहेगा हालांकि इसमें जो फ्लक्चुएशन आती है वो बहुत माइन्यूट फ्लक्चुएशन होती है और वो भी टाइम पीरियड के साथ होती है ऐसा नहीं है कि अगर कोई फ्लक्चुएशन आ रही है तो हर दिन आएगी हर महीने या ऐसा होगा जनरली क्या होगा कि उस कंट्री का जो भी अकाउंटिंग ईयर होगा उस अकाउंटिंग ईयर के अकॉर्डिंग ही ज्यादातर उसमें क्या होता है चेंजेस किए जाते हैं जब लगता है कि चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है सो दैट इज कॉल्ड फिक्स एक्सचेंज रेट जहां पे रेट ऑफ एक्सचेंज कौन डिटरमाइन कर रहा है आपकी कंट्री की गवर्नमेंट फिक्स कर रही है लेट्स जस्ट सपोज जैसे कि यूएई में फिक्स एक्सचेंज रेट रिज्यूम चलता है ऑलमोस्ट यूएई में अगर आप कभी भी चेक करोगे तो डॉलर का रेट फिलहाल यूएई में चल रहा है थ्री पॉइंट समथिंग है और ये फिक्स है आप कभी भी दो तीन दिन बाद उठा के देखना दो महीने बाद उठा के देखना फिक्स है वो पूरे साल में रिवाइज करते हैं यानी कि हर महीने चेंज हो रहा है लेकिन अगर मैं बात करता हूँ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम की तो खुशबू ये वो एक्सचेंज रेट होता है जहां पे आपका रेट ऑफ एक्सचेंज जो है फ्लक्चुएट होता रहता है मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से क्या कंडीशन तो तो भी हो सकता है या तो एक्सचेंज रेट कम भी हो सकता है मतलब करेंसीट हो सकती है करेंसी डिप्रिशिएट हो सकती है तो फ्लेक्सीबल एक्सचेंज रेट ये होता है लास्ट हमारे पास होता है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब होता है जहां पे आपकी जो गवर्नमेंट है वो मैनेज करती है मतलब सब कुछ मार्केट के ऊपर है 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 मतलब आपका डॉलर का एक्सचेंज रेट जो वो बढ़ भी सकता घट भी सकता है बट ये जो बढ़ना और घटना है इसके लिए एक लिमिट दी जाती है कि अगर एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट भी हुआ तो इतनी लिमिट तक होना चाहिए अगर एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट भी हुआ तो इतनी लिमिट तक होना चाहिए इफ इन एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस एक्सचेंज रेट उस रेट से ज्यादा अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट हो गया तो ऐसे में जैसे इंडिया है तो इंडिया में आरबीआई जो है क्योंकि आरबीआई के पास ये अथॉरिटी है तो आरबीआई मार्केट में इंटरवीन करता है जिससे कि उसके एक्सचेंज रेट को क्या किया जा सके वापस स्टेबिलाईज किया जा सके जिससे कि ना इंपोर्ट साइड पे कोई प्रॉब्लम हो ना ही एक्सपोर्ट साइड पे कोई प्रॉब्लम तो तीन तरीके के एक्सचेंज रेट्स हैं जिनको आप फिलहाल दिमाग में अच्छे से बिठा लो आगे क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो तो फिक्स गवर्नमेंट फ्लेक्सिबल मार्केट मैनेज फ्लोटिंग का मतलब क्या हुआ जहां पे दोनों मिलके काम कर रहे तो जाहिर सी बात है इस पढ़ के समझ में आता होगा कि प्रेजेंट टाइम में ज्यादातर कंट्रीज जो है वो मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम को यूज करते हैं। ताकि उनके जो डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स हैं डोमेस्टिक जो परचेजर्स हैं उनको कुछ ज्यादा नुकसान ना हो इन केस ऑफ लार्ज फ्लक्चुएशन इन इंटरनेशनल करेंसीज वैल्यू ये बात है ठीक है आप लोग जो भी ऑनलाइन हो खुशबू ध्रुव और भी कोई तो ये यहां तक के कॉन्सेप्ट क्लियर है कोई डाउट है तो जल्दी पूछो वरना तो मैं आगे बढ़ू इज एवरीथिंग क्लियर टिल नाउ चलो तो देयर हैज बीन several international arrangements for settling payments uh, for settling payments among the countries the payment systems provide a market for currency conversion a supply of reserves to tight countries over temporary imbalances in their payments and a set of economic mechanisms for correcting chronic payment imbalances evolution of the international financial system can be analyzed in four stages as follows वो कह रहे कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो आपका लगातार मतलब जो इवॉल्व हुआ है उस इवोल्यूशन के पीछे जो मेजर जो स्टेजेस हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ तो सबसे पहला हमें दे रखा है बाय मेटलिज्म गोल्ड स्टैंडर्ड फिर ब्रिटेन सिस्टम एंड देन हमें नेक्स्ट दे रखा है

बाय मेटलिज्म सिस्टम वॉज बेस्ड अपॉन दी यूज ऑफ टू मेटल्स गोल्ड एंड सिल्वर जैसा कि नाम से भी क्लियर है नेशन मोनिट्री यूनिट बाय लॉ इन टर्म्स ऑफ फिक्स क्वान्टिटीज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर क्या बायोमेटेलिक सिस्टम था ठीक okay, है उसमें क्या हुआ इसमें हमने जो नेशन का मोनिट्री यूनिट था वो फिक्स किया गोल्ड एंड सिल्वर में द सिस्टम ऑल्सो प्रोवाइड फ्री एंड अनलिमिटेड मार्केट फॉर द टू मेटल्स इंपोस्ड नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज एंड कॉइनेज ऑफ ईदर मेटल ठीक है तो क्या है इस सिस्टम में और क्या हुआ प्रोवाइड अ फ्री अनलिमिटेड मार्केट फॉर द टू मेटल्स मतलब एक मार्केट दी गई जहां पे आप कितना भी ज्यादा इस करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं मतलब आप कितना भी ज्यादा इन दोनों मेटल का यूज करके अपनी ट्रांजेक्शन जितनी भी कर सकते हैं इट ऑल्सो मेड ऑल अदर मनी इन सर्कुलेशन रिडीमेबल इन इधर गोल्ड और सिल्वर इस सिस्टम ने ये आपको हेल्प करी दुनिया में कोई भी जो मनी का सर्कुलेशन चल रहा है अगर आप चाहते हैं तो उनको आप गोल्ड और सिल्वर में कन्वर्ट करा सकते हैं in the international use of bimetallism was that with each nation independently setting its own rate of exchange between the two metals. मतलब हर कंट्री जो है अपने हिसाब से अपना मेटल का एक्सचेंज रेट डिसाइड कर रही है कोई कह रहा है कि भाई अगर आपको मेरी करेंसी चाहिए तो इतने ग्राम गोल्ड देना पड़ेगा कोई कह रहा है अगर आपको मेरी करेंसी चाहिए तो इतने ग्राम गोल्ड देना पड़ेगा सो so, हर पर्सन जो है वो अपने लेवल पे बोल रहा है कि अगर मेरी करेंसी चाहिए तो इतने ग्राम गोल्ड दो मेरी करेंसी चाहिए तो इतने ग्राम गोल्ड दो इस तरीके से ये सिस्टम काम कर रहा है राइट तो आगे बोला है अब मेजर प्रॉब्लम इन द इंटरनेशनल यूज ऑफ बायोमेटलिज्म वाज दैट मेटलिज्म हमने अभी पढ़ा

जब एक्चुअली में गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम जो है इसको पेरिस में 1867 में इसके बारे में बताया ध्रुव अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या पता नहीं मुझे बीच में शायद कुछ प्रॉब्लम आई होगी ध्रुव खुशबू आ रही ऑनलाइन खुशबू आर यू ऑनलाइन चलो तो अब जरा हम बात करते हैं कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम है वो क्या है द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटल्स कैन प्रोवाइड ग्रेटर मोनिट्री रेगेन ग्रेटर प्राइस स्टेबिलिटी विल रिजल्ट फ्रॉम द लार्जर मॉनिट्री बेस ग्रेटर ईज इन द डिटर्मिनेशन स्टेबिलाईजेशन ऑफ एक्सचेंज रेट अमंग कंट्रीज यूजिंग गोल्ड सिल्वर और बाय बाय मेटालिक स्टैंडर्ड्स विल रिजल्ट अब हमें समझना है कि देखो के अंदर प्रॉब्लम सिर्फ किस चीज की थी कि हर कंट्री जो थी ओके जी है देखो बाय बायोमेटेलिज्म का मतलब लेटेस्ट में है बाय बायोमेटेलिज्म का मतलब यह हो गया कि जिसमें आपकी मैं समझा देता हूं दोबारा और है सिलेबस में मेटलिज्म में सिंपली दो करेंसीज के साथ आप ट्रेड कर रहे थे कोई भी कंट्री को अगर आपके साथ ट्रेड करना है तो उनकी करेंसी आपके पास नहीं है तो उसके टर्म्स में आप गोल्ड और सिल्वर देकर के अपना ट्रेड कर सकते थे प्रॉब्लम ये आती थी कि हर कंट्री जो थी वो अपने हिसाब से अपना एक्सचेंज डिसाइड कर रही तो कर थी तो ये दिक्कत थी तो इसीलिए इसीलिए इस चीज को चेंज किया गया और एक नए सिस्टम को बनाया गया राइट